हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत। एम्स एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल नंबर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल नंबर सिस्टम, नाम से पता चल रहा है कि हमें हम जो भी कुछ पढ़ेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू द नंबर्स। तो जैसे कि लिखा है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड टर्नरी नंबर सिस्टम, थर्ड क्वार्टनरी नंबर सिस्टम, फोर क्विनरी नंबर सिस्टम, फाइव ऑक्टल नंबर सिस्टम, सिक्स डेसिमल नंबर सिस्टम, सेवन ड्यूओडेसिमल नंबर सिस्टम, एट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो ये 8 तरह का नंबर सिस्टम दोस्तों हम लोगों को मिलता है डिजिटल नंबर सिस्टम में। ये जो डिजिटल नंबर सिस्टम है, इसका अंदर में ये 8 तरह का नंबर सिस्टम हम लोगों को मिलता है। जैसे कि फर्स्ट हम लोगों को मिला है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या तो रेडिक्स हम लोग बोलेंगे 2। दैट मीन्स बेस और रेडिक्स मीन्स दोस्तों यहाँ में 2 नंबर है। जैसे कि दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ में हम टेबल बनाया है बाइनरी नंबर सिस्टम, यहाँ में 2 ही नंबर है 0 एंड 1। इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ में लिखते हैं बेस और रेडिक्स 2। दैट मीन्स इसको हम लोग बेस भी बोल सकते हैं या तो रेडिक्स भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ में कितना नंबर है, 2 नंबर 0 एंड 1। वैसे ही टर्नरी नंबर सिस्टम में 3 नंबर होते हैं, क्वार्टनरी में 4 नंबर होते हैं, क्विनरी में 5 नंबर होते हैं, ऑक्टल में 8 नंबर होते हैं, डेसिमल में 10 नंबर होते हैं, ड्यूओडेसिमल में 12 नंबर होते हैं और हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते हैं, जिसको हम लोग बेस या तो रेडिक्स करके बोलते हैं। सो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मतलब कंप्यूटर में ज़्यादा यूज होता है, वो क्या है दोस्तों, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो दोस्तों हम लोग यहाँ में क्या पढ़ेंगे आज को, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो यहाँ में टेबल पे आते हैं, तो टेबल पे हम लोग को यहाँ में दिखाई दे रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि हम लोग पहले हमें लिख के रखा है, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर आता है, या बेस और रेडिक्स 2 है, सो यहाँ में 0 और 1। सो ऑक्टल नंबर में क्या आता है, 0 से लेके 7 तक आता है। दैट मीन्स हाउ मेनी नंबर्स, देयर आर 8 नंबर्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देयर आर 8 नंबर्स। सो ऑक्टल नंबर का बेस जो होता है वो 8 होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ में लिख के रख सकते हैं बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का बेस 8। डेसिमल नंबर में 10 नंबर आता है, टोटल 10 नंबर्स आर देयर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो इसका बेस जो हम लोग लिखेंगे दोस्तों वो लिखेंगे 10। हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम जो है उसमें 16 नंबर आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 का बाद क्या आता है, ये अल्फाबेट्स, दीस आर अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ। सो यहाँ में टोटल 16 नंबर सिस्टम हो गए, 16। तो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जितना भी नंबर सिस्टम है सबको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का इक्विवेलेंट हम लोग बनाएंगे। दैट मीन्स द नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 10 नंबर होते हैं, दैट मीन्स 0 से लेके 9 ही नंबर होते हैं। सो ऐसा 0 से लेके 9 नंबर को लेके ही हम लोगों को नंबर बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जितना भी नंबर है हम लोग का, यहाँ में जितना भी डिजिट है, ये सबको लेके हम लोगों को नंबर बनाना पड़ेगा। तो 9 का बाद क्या आ जाता है दोस्तों, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हम लोग का नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया 15 तक। तो इसका बाद भी होता है 16, 17, 18, 19 होता है, लेकिन अगर हम लोग इक्विवेलेंट बोलेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का तो क्या होता है दोस्तों, 15 तक होता है। उसका बाद हम लोग आ जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यहाँ में आप देख सकते हैं कि जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम है सेम है 0 से लेकर 7 तक, लेकिन यहाँ में 8 और 9 जो है ये एब्सेंस है। दैट मीन्स
ऑक्टल नंबर में 8 और 9 जो है ये दो नंबर नहीं आता है। तो हम लोग ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जो 7 का बाद आता है, और यही नंबर सिस्टम और यही डिजिट को लेके हम लोगों को लिखना पड़ेगा। सो ऐसा नंबर आता है जो 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो हम लोग यहाँ में लिख सकते हैं 10, देखिए 1 है, 0 है, हम लोग 11 लिख सकते हैं, ये भी यहाँ से है, 12 लिख सकते हैं, ये भी यहाँ से है, 13 लिख सकते हैं, 14, 15, 16, 17। सो जो भी नंबर हम लोग लिखेंगे इसी नंबर को लेके हम लोग को लिखना पड़ेगा, और इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में दोस्तों हम लोग 8 और 9 को यूज़ करने नहीं सकेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम बनाएंगे, 0, 1, तो 1 का बाद नेक्स्ट ऐसा कौन सा नंबर आता है जो जिसमें 0 और 1 ही होता है सिर्फ, तो ऐसा नंबर आता है 10। 10 का बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसमें 0 और 1 ही आता है, तो उसमें 11 आता है। 11 का बाद हम लोगों को मिलता है 100, 100 का बाद हम लोगों को मिलता है 101, 101 का बाद हम लोगों को मिलता है 110, उसका बाद हम लोगों को मिलता है 111, 111 का बाद हम लोगों को मिलता है 1000, 1000 का बाद हम लोगों को मिलता है 1001, उसका बाद मिलता है हम लोगों को 1010, उसका बाद हम लोगों को मिलता है 1011, उसका बाद हम लोगों को मिलता है 1100, देन 1101, 1110 और एट द एंड 1111। तो ये हम लोग का हो गया दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का इक्विवेलेंट, जो हम लोग हर एक नंबर सिस्टम को बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। तो ये हम लोग का हो गया नंबर सिस्टम का टेबल। तो इसी टेबल को लेके हम लोग को नंबर सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जैसे कि सपोज हम लोग नंबर सिस्टम को लेके क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे नंबर सिस्टम में हम लोग कॉन्वर्ट करेंगे, एक नंबर को दूसरा नंबर का साथ में कॉन्वर्ट करेंगे। अभी जैसे कि मान लीजिए हेक्साडेसिमल नंबर एफ, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर एफ अगर हम लोग बोलेंगे तो डेसिमल में ये हो जाएगा 15, ऑक्टल में हो जाएगा 17, और बाइनरी में हो जाएगा 1111, दैट इज 1111। अगर हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर 9, तो वो हो जाएगा डेसिमल में भी 9, ठीक है, ऑक्टल में 11 और बाइनरी में 1001। तो ऐसा हम लोग नंबर को कन्वर्ट करेंगे, एक नंबर से दूसरा नंबर पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे नंबर को। तो यहाँ में हम लोग का लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए नंबर कन्वर्शन, हम लोग क्या क्या नंबर कन्वर्शन करेंगे, फर्स्ट हम लोग करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, हम लोग डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसका वाइस वर्सा बाइनरी से डेसिमल में करेंगे। दैट मीन्स बाइनरी नंबर को डेसिमल में करेंगे, डेसिमल नंबर को बाइनरी में करेंगे, या तो उसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये डेसिमल नंबर 10 है, सॉरी डेसिमल नंबर 8 है, तो ये डेसिमल नंबर 8 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करने से हम लोग का क्या आएगा, 1000। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे डेसिमल से हेक्सा में करेंगे, हेक्सा से डेसिमल में करेंगे, हम लोग बाइनरी से हेक्सा में करेंगे, हेक्सा से बाइनरी में करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में करेंगे, ऑक्टल से डेसिमल में करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल में करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी में करेंगे, ऑक्टल से हेक्सा में करेंगे, हेक्सा से ऑक्टल में करेंगे। ये तब हम लोग का ये नंबर सिस्टम जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपका ये जो टॉपिक है डिजिटल नंबर सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक चीज़ पूरा बारीकी से मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ आप देखिएगा, आपको ये जो नंबर सिस्टम का डिजिटल नंबर सिस्टम है ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लिया जैसे कि 125, और ये आप देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ में ब्रैकेट दिया है और नीचे में छोटा 10 लिखा है, ये 10 इंडिकेट करता है कि ये डेसिमल नंबर है। जैसे कि हमने लर्न किया था डेसिमल नंबर का बेस जो है वो 10 होता है, सो ऐसा लिखना पड़ता है कि बेस 10, दैट मीन्स दिस 125 जो नंबर है ये क्या है, डेसिमल नंबर है। अगर ऑक्टल होता है तो 8 लिखना पड़ेगा, अगर हेक्साडेसिमल होता है तो 16 लिखना पड़ेगा, और बाइनरी नंबर में तो 25 होता ही नहीं, तो उसमें अगर कोई भी नंबर होता है तो उसमें 2 लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये नंबर है हमारे पास में क्वेश्चन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 125 आप ऐसे लिखेंगे, 125, इसको दोस्तों हमें डिवाइड करना है
बेस नंबर ऑफ बाइनरी से। तो बेस नंबर ऑफ बाइनरी क्या है, बाइनरी का बेस नंबर हमने लर्न किया था पहले, बाइनरी का बेस नंबर था 2। जैसे कि इसमें दो नंबर है 0 एंड 1, सो बाइनरी का बेस नंबर क्या था, 2 था। तो 2 से हम लोगों को इसको डिवाइड करना है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको। इसको डिवाइड करने से कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 62। 62 रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या निकलता है, 1। इसको आप ग्राफ में ऐसे भी करके देख सकते हैं, ग्राफ में 125 डिवाइडेड बाई 2 कितना बच जाता है, 6, 12, 5, 2 टाइम 4, ये रिमाइंडर क्या निकलता है, 1। सो ये जो क्वेश्चन पार्ट है, एक क्वेश्चन पार्ट को हमको यहाँ में लिखना है, और एक डैश देखें, ये जो रिमाइंडर पार्ट है इसको हम लोग को यहाँ में लिखना है, ठीक है। तो फिर से 62 को हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 62 को, यहाँ में हम लोग का आंसर आ जाएगा 31, रिमाइंडर क्या है इसका, 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक 1 नहीं निकल जाता क्वेश्चन, हम लोग 2 से डिवाइड करते रहेंगे। तो अभी क्या आता है आंसर, 15, रिमाइंडर क्या आता है, इसमें 1 आता है। फिर डिवाइड करेंगे इसको 2 से, कितना आता है आंसर, 7 आता है, फिर रिमाइंडर 1। फिर करेंगे इसको डिवाइड 2 से, कितना आता है, 3। रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। फिर डिवाइड 2 से, रिमाइंडर कितना आता है, 1, सॉरी क्वेश्चन 1, रिमाइंडर भी 1। तो ये हम लोग का हो गया, अभी इसको और 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 1 आ गया है, द नंबर लेस देन 2, तो अभी और इसको हम लोग डिवाइड करने नहीं सकेगा। तो इसको अभी आंसर ऐसे लिखना है, देयर फोर 125, ये 125 10 इज इक्वल टू, इसको नीचे से लेके ऊपर में जाना है, नीचे से लेके हम लोगों को ऊपर में जाना है, ए मैनर में जाना है, नीचे से ऊपर में जाना है। सो 1 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 0 1। तो इसका बेस हो गया 2। जैसे कि बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2 होता है, तो ये बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो 125, जो 125 नंबर है डेसिमल का, इसको अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 2, दैट मीन्स नॉट 2, सॉरी, ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 0 1, और इसका बेस हो जाएगा 2। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमने किया था, तो इसमें कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लीजिए ये हम लोग 14 लेते हैं, तो ये 14 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने से इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 1 1 0। सो 14 को हम लोग करते हैं नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 14 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं नंबर 2, 14 बेस 10 होगा, 10 इज द बेस नंबर ऑफ डेसिमल। सो 14 को हम लोग करके देखते हैं, 14 इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा, 7, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1, रिमाइंडर 1। सो द आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, 1 4 1 14, दैट मीन्स 14 इज इक्वल टू 1 1 1 0 1 1 1 0, और इसका बेस क्या हो जाएगा, 10। तो हम लोग को दिखाई मिल रहा है हमें, जैसे कि बेस नंबर ऑफ बाइनरी क्या है, 2 है, और द बेस नंबर ऑफ जो डेसिमल है वो 10 है, और जो 14 है डेसिमल, डेसिमल 14 इज इक्वल टू 1 1 1 0। तो ये हम लोग का आंसर यहाँ में मिल गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल, एक बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज द नंबर हो 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, सपोज 4 7 9, सपोज एक नंबर है, इसको हम लोगों को ये जो डेसिमल नंबर है इसको हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे लिख लिख दीजिए 4 7 9, तो इसको डिवाइड करना है हम लोगों को, क्या से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर जो है, आंसर हो जाएगा 239, और इसका जो रिमाइंडर है 1 आ जाएगा। इसको फिर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका 119 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा,
फिर 2 से 59 को डिवाइड करने से कितना होता है 29, रिमाइंडर 1, फिर 29 को 2 से डिवाइड करेगा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड करेगा 7 आ जाएगा रिमाइंडर 0, फिर 7 को 2 से डिवाइड करेगा क्या आ जाएगा 3 रिमाइंडर 1, फिर 3 को 2 से डिवाइड करेगा क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 1। तो ये हम लोग का डिवाइडिंग जो डिवाइड का प्रोसेस ये होगी। अभी आंसर लिखना है, देयरफॉर 4, 7, 9, 10 इज इक्वल टू, नीचे से जाना है 1, 1, 1, 1, 1, 1, इसके बाद 0 है, उसके बाद 1, 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 इसका हो जाएगा 2। तो ये हम लोग का हो गया डेसिमल से बाइनरी में। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसका और एक प्रोसेस है। मतलब अगर डेसिमल प्लेस होता है तो क्या होगा, सपोज अगर कोई डेसिमल, सपोज मान लीजिए 125.5, 125.6, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में थोड़ा प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, उसमें एक प्रोसेस ऐड करना पड़ता है उसमें। मान लीजिए एक नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक नंबर है, मान लीजिए 86.125, ये क्या हो गया डेसिमल नंबर हो गया 86.125। ये 86.125 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसका जो रेस्पेक्टिव बाइनरी नंबर है ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ये 86.125। तो इसका जो होल नंबर पार्ट है, होल पार्ट है मतलब 86 जो पार्ट है, इसको हम लोग पहले जो प्रोसेस है हम लोग का, जो हम लोग पहले किए थे उस प्रोसेस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे 2 से डिवाइड। ठीक है, 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा 43 क्वेश्चन 0, फिर 43 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 21 रिमाइंडर 1, फिर 21 को डिवाइड 2 से इसका रिमाइंडर 1 10 1, 2 से 5 रिमाइंडर 0 सॉरी, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे इसका 2 आ जाएगा रिमाइंडर 1, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर हो गया 1010110, ये हो गया 86 का बाइनरी इक्विवेलेंट। अभी हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शनल पार्ट को लेना है, ये फ्रैक्शनल पार्ट 120 125, ये जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अभी देखिए अच्छा से, ये फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इसका आंसर कभी कभी क्या होता है, इसका आंसर मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं भी आ सकता है, जो आंसर होता है वो अप्रोक्स भी हो सकता है, अप्रोक्स मतलब लगभग कोई आंसर हो सकता है, मतलब वो जो एक्यूरेट आंसर वो नहीं भी आ सकता है कभी कभी। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, सपोज 1.125 मतलब क्या है 0.125, तो इसको क्या करना है हमको इंटू करना है 2 से, 2 से इंटू करना है। तो 2 से कैसे इंटू करना है, 0.125 को अगर 2 से इंटू करते हैं तो आंसर क्या निकलता है 0.250। तो फिर ये 0.250 इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 0.500। तो अभी 0.500 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.000। तो अभी ये 1.000 मतलब क्या होता है, इसमें इसमें जो होता है मतलब ए पार्ट को जब 0 1 आ जाएगा तो 1 को यहाँ में नहीं लिखना होता है, यहाँ में क्या लिखना होता है, यहाँ में क्या लिखना होता है 0.000। तो इसको 2 से इंटू करने से क्या आएगा 0 आएगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ये पार्ट जो है इसको हम लोग नहीं लेंगे, मतलब 1 आ जाने से इसको फिर 0 लेना पड़ता है, तो ये इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 0 1, तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा मतलब 0.001। तो 0.001 मतलब क्या, 1 मतलब इसको अगर हम लोग इसके साथ में ऐड कर देंगे तो क्या होगा 0.001। तो अगर हम लोग ये 86 देयरफॉर 86.125 10 को अगर हम लोग ये नंबर को अगर कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो हम लोग का आंसर हो जाता है 1010110.001, ये हम लोग का आंसर हो जाता है। डेसिमल टू बाइनरी इसका बाद आता है, बाइनरी टू डेसिमल मतलब उसका उल्टा, मतलब उसका रिवर्स, मतलब बाइनरी टू डेसिमल नंबर। तो यहाँ में हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, जो बाइनरी नंबर है 1111101, इसका बेस है आप देख सकते हैं, तो मतलब ये जो नंबर है ये नंबर क्या है, बाइनरी नंबर है। तो ये बाइनरी नंबर को हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब जो हम लोग पहले किया था डेसिमल टू बाइनरी उसका उल्टा। तो देखिए
चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ऐसा इक्वल देना है, ये फर्स्ट डिजिट लिखना है। ये फर्स्ट डिजिट क्या है, वन लिख के इंटू टू, मतलब अभी हमको क्या करना है, इंटू करना है। पहले हम लोग क्या किया था, डिवाइड किया था, तो अभी क्या करना है, इंटू करना है, मतलब जो उसका रिवर्स है, मतलब डिवाइड डिवाइड का रिवर्स क्या होता है, इंटू होता है। तो अभी हम लोग को इंटू करना है, तो हमने क्या लिखा है, फर्स्ट डिजिट लिखा। तो फर्स्ट डिजिट के बाद कितना डिजिट और बचा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो प्लस फिर वन इफ सेकेंड वाला डिजिट इंटू टू, तो ये सेकेंड वाला डिजिट का बाद कितना होता है, 1 2 3 4 5 डिजिट बाकी होता है। सो 5 फिर हम लोग देंगे 1 इंटू 2, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये तीन नंबर वाला लिखा है, तो अभी क्या हो जाएगा, फिर 1 इंटू 2, तो ये 3 हो जाएगा। प्लस 1 इंटू 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, चार नंबर लिख, हम पाँच नंबर लिख लिया, उसके बाद 0 है, 0 इंटू 2, इसका पावर क्या है, 1 है। प्लस 1 इंटू 2, इसका पावर क्या हो जाएगा, 0, मतलब इसका जो नंबर है, नंबर के बाद और कोई नंबर नहीं बचा है। तो यहाँ में हम लोग ब्रैकेट दे सकते हैं, सपोज जैसे कि हम लोग यहाँ में ऐसा ब्रैकेट दे सकते हैं, इसमें ब्रैकेट दे सकते हैं, ऐसा हम लोग ब्रैकेट एक एक, मतलब एक एक जो अलग अलग जो टर्म है उसको हम लोग ऐसे अलग अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो पावर है, ये पावर क्या होना चाहिए, ब्रैकेट का अंदर में होना चाहिए। ये पावर ब्रैकेट का अंदर में होना चाहिए, इसका ये पावर बाहर नहीं होना चाहिए, ये पावर ब्रैकेट का अंदर में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या होता है, इसका आंसर क्या निकलता है। अगर हम लोग 2 टू द पावर 6 अगर हम लोग करेंगे तो इसका क्या होगा, अब 2 टू द पावर 6 का मीनिंग क्या होता है, जैसे 2 टू द पावर 6, सो 2 6 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 इंटू 1 ये हम लोग का हो गया 64। ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या हो गया, 64 हो गया। 64 इंटू 1 क्या हो गया, 64, ये हम लोग का हो गया 64। उसके बाद प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 64 हमें 32 हो जाएगा, 32 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 32। प्लस यहाँ में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 16। प्लस यहाँ में क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 8। प्लस यहाँ में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 है, 0 का साथ में कोई भी नंबर इंटू करने से क्या होता है, 0 होता है, 0। प्लस यहाँ में क्या हो जाएगा, अगर कोई भी नंबर का पावर 1 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो 1 जो इस ये जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हो गया 1 इंटू 1, तो इसका हो जाएगा 1। तो अभी चलिए देखते हैं क्या होता है, इसका जो वैल्यू है, यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस करने से इसका वैल्यू हो जाएगा 1 टू 5। सो 1 टू 5 जो है ये क्या है, डेसिमल नंबर। सो हम लोग इसे आंसर लिख सकते हैं, देयर फोर 1 1 1 1 1 0 1 2 इज इक्वल टू 1 2 5 10, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये जो 1 1 1 1 1 0 1 बाइनरी नंबर है, इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते तो इसका आंसर हो गया 125, मतलब डेसिमल का 125 हो जाता है। तो अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 और एक एग्जांपल, अभी डेसिमल प्लेस में लेते हैं, डेसिमल प्लेस। अभी जैसे कि मान लीजिए ऐसा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए 1 0 1 0 1 1 0 पॉइंट, सपोज 0 0 1 0, ऐसा हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये जो डेसिमल नंबर है इसको हम लोग को, सॉरी बाइनरी नंबर है इसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सेम ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये जो मतलब होल वाला पार्ट है, इसको हम लोग को सेम वो पहले का जो प्रोसेस है उसमें ही करना है। इक्वल हम लोग को क्या करना है, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। अच्छा इसमें क्या देना है, इसमें कितना बचा है, इसका बाद कितना डिजिट बचा है, 1 फर्स्ट वाला के बाद 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लिखना है, यहाँ तक जाना है, इसका बाद में नहीं जाना है। ठीक है, इसका बाद में कैलकुलेट नहीं करना है। तो हमने 0 लिखा, 0 इंटू 2, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 बचा है, तो 5 लिखना है। प्लस 1 इंटू 2 लिखना है, तो 1 के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट बचा है। फिर यहाँ में क्या देना है, 0 0 इंटू 2, 0 के बाद 3 डिजिट बचा है, 3। प्लस 1 इंटू 2, ए 1 के बाद 2 डिजिट बचा है। प्लस उसके बाद क्या है, फिर 1 इंटू 2, 1 डिजिट बचा है। प्लस 0 इंटू 2, तो ये हम लोग का हो गया 1 0 1 0 1 1 0, तो इसका पावर हो जाएगा 2 सॉरी 0। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ में हम लोग को लिखना है ए वाला पार्ट। तो ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जैसे कि 0 इंटू 2, तो ये 0 का बाद यहाँ में पावर हो गया -1। प्लस 0 इंटू 2, इसका पावर हो गया 2। प्लस 0 इंटू
सॉरी जीरो नहीं होगा, यहाँ में वन होगा, सॉरी यहाँ में वन होगा, वन इंटू टू यहाँ में पावर हो गया थ्री, प्लस जीरो इंटू टू पावर हो जाएगा फोर, सॉरी माइनस फोर। तो यहाँ इसको हम लोग को फिर से अगर हम लोग ब्रैकेट देना चाहता है तो ऐसा ब्रैकेट दे सकते हैं, तो ऐसा हम लोग ब्रैकेट दे सकते हैं यहाँ में, तो इतना लंबा हो गया। तो इसका पैसे पहले का जैसे ही देखिए, टू टू दी पावर सिक्स, तो टू टू पावर सिक्स का वैल्यू हमें क्या निकला था, 64, 64 इंटू वन 64 निकला था, तो हम लोग 64 लिख देंगे यहाँ। तो ये हमें जीरो का साथ में कोई भी नंबर इंटू होने से क्या होगा, जीरो होगा, तो हम लोग यहाँ जीरो लिख देंगे। फिर यह हमें टू टू दी पावर फोर का वैल्यू क्या होता है, 16 होता है, 16 इंटू वन 16, प्लस इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू जीरो होगा, मतलब जीरो का साथ में कोई भी नंबर इंटू होगा तो जीरो होगा, प्लस टू स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, फोर होता है, फोर इंटू वन क्या होगा, फोर होगा, प्लस यहाँ में क्या होगा, टू होगा, टू इंटू वन क्या होगा, टू होगा, प्लस अगर यहाँ में जीरो है, जीरो का साथ में कुछ भी नंबर इंटू होने से क्या होगा, जीरो होगा, तो सेम यहाँ में भी जीरो का साथ में कोई भी नंबर इंटू होगा तो जीरो होगा, प्लस यहाँ में भी सेम होगा, जीरो का साथ में कोई भी नंबर इंटू होगा तो जीरो होगा, प्लस उसका बाद इसको लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये जो वन है ये वन ऊपर में चला जाएगा, और ऊपर में चला जाने से क्या होगा, ये जो टू जो पावर जो माइनस है ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स वन डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर टू, दैट मीन्स टू क्यूब, वन डिवाइडेड बाई टू क्यूब, प्लस उसके बाद क्या होगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो का साथ में कोई भी नंबर इंटू करने से क्या होता है, जीरो होता है, जीरो हो गया। तो अभी क्या करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करके देखते हैं क्या होता है। सब नंबर को प्लस करने के बाद ये हो गया 16, 16 प्लस 4 हो गया हम लोग का 10, सॉरी 6 प्लस 4 हो गया 10, 10 14, 14 प्लस 2 हो गया 16, सॉरी 14 प्लस 2 हो गया 16, तो 16 का 6 यानी 1, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, ये हम लोग का हो गया 8, 86, 86 और 0 को हम लोग नहीं लेंगे, 86 प्लस 1 बाई 2 क्यूब, जैसे 1 बाई 2 क्यूब, 1 को मतलब 8 से, 2 क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 8 होता है, तो 1 को 8 से डिवाइड करने से क्या होगा, 1 को 8 से डिवाइड करने से क्या होता है, 0.0125 होता है, सो इसका वैल्यू क्या होता है, 86 प्लस 0.125, तो इसका दोनों को प्लस करने से क्या होगा, 86.125, तो ये हम लोग का हो गया इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। सो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, सो 101010.0010, इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 86.125 डेसिमल नंबर, सो 86.125, तो ये हम लोग का हो गया बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्शन। बाइनरी टू डेसिमल का बाद अभी आता है डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल नंबर है 125, डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, मतलब उसका जो डेसिमल 125 का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है उसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस डेसिमल टू बाइनरी में जो हम लोग किया था, डिवाइडेड बाय टू, तो टू से डिवाइड किया था हम लोग क्योंकि टू इज़ द बेस नंबर ऑफ द बाइनरी। सो अभी ऑक्टल का बेस नंबर क्या है, 8 है, तो हम लोग ये 125 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 125 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा, 125 को 8 से डिवाइड करने से कितना होता है, 15, इसमें रिमाइंडर कितना आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है 5, फिर 15 को हम लोग 8 से डिवाइड करेगा कितना हो जाएगा, 15 को 8 से डिवाइड करने से कितना आता है, क्वेश्चन कितना आता है, 1 आता है, रिमाइंडर कितना आता है, 7, तो ये 7 हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा देयरफॉर 125 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 175.8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 125 का ऑक्टल इक्विवेलेंट। तो आप ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग का टेबल से, जो टेबल हम लोग बनाया था टेबल से एक एग्जांपल लेते हैं, जो हम लोग का टेबल है टेबल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल, सपोज 11 लेते हैं हम लोग, 11 को हम लोग अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करने से क्या होता है, 11 को ऑक्टल में कन्वर्ट करने से 13 होता है। सो चलिए देखते हैं 13 आता है कि नहीं। सो ऑक्टल मतलब जो डेसिमल 11 है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है, 11 ये हम लोग का हो गया डेसिमल नंबर, इसको हम लोग को क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो 11 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा 1, तो उसका बाद क्या हो जाएगा,
इसको डिवाइड करने से हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आ जाता है 3। सो दे आर फोर 11 10 इज इक्वल टू 13 8। देख लीजिए यहाँ में ऐसा जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर जो 11 है उसको हम लोग अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग का क्या आता है आंसर 13 आता है। तो हम लोग का ये टेबल से भी प्रूव हो जाता है कि अगर हम लोग का डेसिमल नंबर 11 होगा तो उसको हम लोग का ऑक्टल नंबर क्या होगा, 13 होगा। सो ऐसे हम लोग डेसिमल नंबर को हम लोग ऑक्टल नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या आता है, अभी डेसिमल प्लेस, सपोज ऐसा एक नंबर है जिसमें मतलब पॉइंट है, ठीक है। तो नंबर थ्री मान लीजिए एक ऐसा नंबर है जिसमें पॉइंट, ऐसा हो सकता है जिसमें पॉइंट है मतलब, ठीक है। तो एक नंबर लेते हैं हम लोग, सपोज 86.120 सपोज, तो ये हो गया डेसिमल नंबर 86.120 डेसिमल नंबर हो गया। तो इसको अभी हम लोगों को क्या करना है, इसका जो इक्विवेलेंट जो ऑक्टल नंबर है ये ऑक्टल नंबर में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो वही सेम प्रोसेस जो हम लोग पहले किया था, हम लोग के जो होल पार्ट है ये होल पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, 86 को हम लोग पहले स्पेशल हम लोग इसको डिवाइड करके हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, 8 10 जा कितना होता है, 8 10 जा 86 होता है। तो 10 10 टाइम्स जाएगा, 10 हो गया, रिमाइंडर कितना होगा, 6, ठीक है। तो ये 10 को फिर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 10 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 8 से तो कितना होगा, क्वेश्चन कितना होगा, क्वेश्चन 1, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 2, तो हम लोग हो गया। तो अगर हम लोग 86 को हम लोग 86 जो डेसिमल नंबर है उसको हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग आंसर क्या आता है, 1 2 6। तो ये हम लोग का हो गया 86 का ऑक्टल इक्विवेलेंट। अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.120। सो ये 0.120 को हम लोग को करना है, सपोज फ्रैक्शनल पार्ट को करना है 0.120, इसको हम लोगों को करना है। तो पहले हम लोग क्या किया था, इसको 2 से हम लोग इंटू किया था, तो अभी हम लोग क्या करेगा, इसको 8 से इंटू करेगा, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.120 को अगर हम लोग 8 से इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.96। तो फिर हम लोग को लेना है 0.96 इंटू 8, तो 0.96 इंटू 8 कितना होता है, 7.86 होते हैं। तो जैसे कि पहले हम लोग का कंडीशन था ये नंबर को नहीं लेना है तो इसका जगह में 0 लेना है, तो 0.086 फिर से इंटू 8, 0.86 इंटू 8 कितना होता है, हो जाता है 5.44 हो जाता है। तो उसके बाद फिर से 0.44 को हम लोग 8 से डिवाइड करना है, तो इसको क्या, इसका क्या हो जाता है, 0.44 को 8 से डिवाइड करने से हो जाता है 3.52। ज़्यादा नहीं लेना है, 3 4 5 ज़्यादा है, 3 4 5 टर्म लेने से हो जाता है। तो अभी जैसे कि मानो 0.52 इसको अगर हम लोग 8 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 4.16, इतना तक करने से हो जाएगा। तो हम लोग का ये हो गया 07534। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, देयर फोर 86.120 10 को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट, सॉरी ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो 126.075348। तो ये हम लोग का हो गया ऑक्टल इक्विवेलेंट फॉर द नंबर 86.120 का। तो ये हम लोग का हो गया डेसिमल टू ऑक्टल नंबर। अभी हम लोग देखेंगे ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। सो ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, ऑक्टल टू डेसिमल, ये ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसका भी एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन सपोज क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी नंबर हो सकता है, ऑक्टल नंबर कुछ भी हो सकता है, खाली उसमें 8 और 9 नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऐसा हो सकता है, सपोज़ नंबर इज 250, सपोज 250, ये हो गया हम लोग का ऑक्टल नंबर। तो ये ऑक्टल नंबर को क्या करना है, अभी हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, वही सेम प्रोसेस जो हम लोग बाइनरी से डेसिमल में किया था। तो ये 2 into 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना कितना बचा है, कितना डिजिट बचा है, 2 डिजिट बचा है। तो यह में हो जाएगा 2 power + 5 into 8, तो 5 के बाद कितना डिजिट बचा है, 1 डिजिट।
वन प्लस 0 × 8, 0 का बाद कुछ भी नहीं बचा है तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग इसमें ब्रैकेट दे सकते हैं, अगर नहीं भी देता है तो कोई बात नहीं, तो भी करेक्ट है। ठीक है, तो हमें क्या हो जाता है, 8 8 जाए कितना हो जाता है, 8 8 64। तो 64 को अगर 2 से डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, 128। ये हम लोग का हो गया 128 प्लस ये हमें 8 हो जाता है, तो 8 5 जाए ये हमें हो जाता है 40 + 0, तो यह हमें कितना हो जाता है 168। सो देयर फोर अगर हम लोग 250 को, जो ऑक्टल नंबर है उसको हम लोग अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग का आंसर जो है वो आ जाता है 168 10। तो 10 क्या है, बेस नंबर ऑफ डेसिमल। तो ये हम लोग का हो गया प्रोसेस ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का। तो ऐसे ही हम लोग एक ऐसा नंबर ले सकते हैं जिसमें पॉइंट है, मान लीजिए ऐसा एक नंबर जिसमें पॉइंट है, ऐसा ले सकते हैं नंबर 2। नंबर 2 को हम लोग एक नंबर एज्यूम कर सकते हैं, सपोज 75.102, ऐसा एक नंबर है, तो ये भी ऑक्टल नंबर है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं 75.102, इसको अगर हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, तो इसका ऐसा हो जाएगा जैसे कि हम लोग पहले किया था 7 × 8, तो इसका बाद कितना डिजिट बचता है, 1 डिजिट बचता है, प्लस 5 × 8, तो 5 के बाद ऐसा कुछ भी नहीं बचता है। मतलब ये नहीं देखना है, डेसिमल का बाद नहीं देखना है, डेसिमल का आगे देखना है। तो डेसिमल का आगे में कुछ भी नहीं बचता है तो यहाँ में 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 × 8 हो जाएगा, ये 1 × 8 हो जाएगा। तो यहाँ में क्या अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या था, जब हम लोग डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो क्या था, तो -1 था, तो उसी से -1 होगा, प्लस 0 × 8 यहाँ में क्या हो जाएगा, -2, प्लस 2 × 8 यहाँ में क्या हो जाएगा, -3। तो ऐसा करके हम लोग को करना है, यहाँ में अगर ब्रैकेट चाहिए तो ब्रैकेट दे देना है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ में 8 का पावर 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, सॉरी 8 ही हो जाएगा। तो 8 7 जा कितना होता है, 8 7 जा 56, प्लस यहाँ में पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5। तो उसका बाद 5 वैल्यू, अभी यहाँ में क्या होगा, यहाँ में 1/8 2 पावर 1, प्लस यहाँ में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ में क्या होगा, यहाँ में जैसे कि 2 है और 8 का पावर क्या हो जाएगा, 8 का पावर 3 हो जाएगा जैसे कि पहले किया था। तो यहाँ में अभी क्या हो जाता है, 56 का साथ में 5 प्लस करने से कितना होता है, 61। 61 प्लस 1 को 8 से डिवाइड करने से कितना होता है, 1 को 8 से डिवाइड करने से होता है 0.125, 0.125 प्लस अभी जैसे कि 8 8 क्यूब, 8 क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 8 क्यूब का वैल्यू मतलब 8 × 8 × 8, 8 × 8 × 8, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाता है 8 × 8 × 8 का वैल्यू क्या हो जाता है, 8 8 जो 64, 64 का वैल्यू 64, 8 8 जो 64, 64 को 64, 64 को 8 से इंटू करने से कितना होता है, 4 5 12, 5 12 हो जाता है। तो यहाँ में क्या होगा, 5 2 2 को 5 12 से डिवाइड करने से कितना होता है, 5 12 2 को 5 12 से डिवाइड करने से 0.00039 0625, तो ये हो जाता है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये तीनों नंबर को एक साथ में प्लस कर देना है। तो प्लस करने से क्या होगा, 61.128 9 0 6 2 5, तो ये हम लोग का हो गया 75.102 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है हो गया। तो हम लोग का ये आंसर अभी लिखेंगे हम लोग, 75.102 जो है ये ऑक्टल नंबर है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 61.128 9 0 6 2 5, तो ये हम लोग का हो गया, ये जो 75 है, ये 75.102 जो ऑक्टल नंबर है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 61.128 9 0 6 2 5, ये हम लोग का हो गया ऑक्टल इक्विवेलेंट। ऑक्टल टू डेसिमल का बाद अभी आ जाता है डेसिमल टू हेक्सा। जैसे कि हमें क्वेश्चन है 125 base 10, ये डेसिमल नंबर है, अभी डेसिमल नंबर को हम क्या करना है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है, हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
तो वही प्रोसेस है सेम जो हम लोग किया था, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, सेम प्रोसेस में करना है। हम लोग क्या करेंगे, 125 को डिवाइड करेंगे, लेकिन इस बार 2 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, इस बार क्या होगा, 16 से, बिकॉज द बेस नंबर ऑफ द हेक्साडेसिमल इज 16। तो 16 से डिवाइड करेंगे 125 को, कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 7, क्वेश्चन 7, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 13। तो अभी हम लोगों को लिखना है आंसर, दे आर 4 1 2 5 10, मतलब ये जो डेसिमल नंबर है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 7। यहाँ में हम लोग 13 नहीं लिखेंगे, 13 मतलब 13 क्या है, डेसिमल नंबर है, 13 डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल क्या होता है, 13 डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल, जिसकी डेसिमल नंबर 13, इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होता है, डी होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ में डी लिखेंगे, दैट मीन 7D 16। तो ये हम लोग का हो गया आंसर, जो डेसिमल नंबर है 125 उसका अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7D। ये हम लोग का हो गया हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो यहाँ में हम लोग एक क्या करते हैं, हम लोग एक डेसिमल प्लेस लेते हैं, मतलब जो पॉइंट है पॉइंट वाला लेते हैं, नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, जैसे कि सपोज मान लीजिए 86.120, ये भी क्या है, डेसिमल नंबर है, तो ये डेसिमल प्लेस को भी हम लोग को कन्वर्ट करने मिलेगा यहाँ में। तो 86 को पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, वही सेम प्रोसेस, 86, 86 को डिवाइड करना है किससे, 16 से, ठीक है, 86 को 16 से डिवाइड करने से क्या होगा, क्या कितना बच जाएगा, 5, ठीक है, 5 बच जाने से उसके बाद रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो हम लोग का ये हो गया 56, 56, दैट मीन्स अगर हम लोग 86 डेसिमल नंबर है उसको अगर हम लोग हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर हम लोग का प्लस में आ जाएगा 56। अभी हम लोग का बाकी रह गया है जो 120, 0.120, 0.120, 0.120, इसको हम लोग को 16 से इंटू करना है, 0.120 को 16 से इंटू करने से क्या होगा, 1.92, 1.92 हो जाएगा। तो अभी जैसे कि ये 1 को नहीं लेना है, 0.92 को लेना है, तो 0.92 को फिर से 16 से इंटू करेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 14.72। तो अभी 14 को नहीं लेगा, फिर से 0.72 को लेगा इंटू 16, इसको क्या होगा, इसका इसका हो जाएगा 11.52 हो जाएगा। तो 0.52 को 16 से इंटू करना है, 0.52 को 16 से इंटू करने से क्या होता है, 8.32 हो जाता है, 8.32। अभी जैसे कि मान लीजिए 0.32 को फिर 16 से इंटू करना है तो आंसर क्या आ जाता है, 5.12। तो ये हम लोग का हो गया, ज़्यादा नहीं करना है, 4-5 काफ़ी है, 4-5 करने से हो जाएगा। तो अभी आंसर हम क्या आ जाएगा, देयरफॉर 86.120, 10 को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में तो आंसर आ जाता है 56.1, और ये आ गया 14, ये 1 हम लोग लिख लिया, अभी आ गया 14। अभी जैसे कि 14, 14 का हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होता है, डेसिमल 14 का हेक्साडेसिमल वैल्यू, डेसिमल 14 का हेक्साडेसिमल वैल्यू आ जाता है ई। उसके बाद आ गया 11, 11 का हेक्साडेसिमल वैल्यू आ जाता है बी, ये हम लोग बी लिख लिया। उसके बाद क्या आ जाता है 8, 8 का बाद क्या आ जाता है 5। तो ये हम लोग का हो गया हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स। तो हम लोग का हो गया डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्शन। अभी हम लोग करेंगे हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर में, जैसे कि हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्सा से हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल नंबर। तो हेक्सा टू डेसिमल नंबर क्या हो, कैसे होगा, प्रोसेस वही प्रोसेस से। सपोज एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे कि इसका आंसर, इसके आंसर को हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, जो आंसर है पता चल जाएगा करेक्ट है कि नहीं। इसका जो आंसर है क्या है, 7D। ये 7D को अभी हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, 7D, बेस क्या है इसका, 16 है। तो इसको हम लोग करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 7D को कैसे करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट, इक्वल टू 7 × 16 प्लस, अभी जैसे कि डी का वैल्यू, डी का वैल्यू क्या होगा, डी का डेसिमल का वैल्यू क्या होगा, हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगा, डी का हेक्सा, डी का डेसिमल वैल्यू क्या होता है, 13। तो हो जाएगा 13 13 × 16 हो जाएगा, 13 × 16, ठीक है। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इसके बाद कितना डिजिट बचा है, 1 डिजिट, देखिए 7 का बाद ये डबल डिजिट नहीं होगा, 1 डिजिट होगा, तो 1 इसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम लोग चाहेगा तो इसमें हम लोग ब्रैकेट देने सकता है, नहीं देने से भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ में पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 16 16 × 7 क्या होता है, 16 × 7 हो जाता है 112।
टू हो जाता है 112 प्लस यह हमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 13 इंटू 1 इक्वल टू 13। सो 112 प्लस 13 क्या होता है 125, तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। देयर फोर 7d 16 इज इक्वल टू 125 10, तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। देखिए ये जो पहले वाला क्वेश्चन था ये अभी आंसर बन गया, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डेसिमल प्लेस का एक एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट का एक एग्जांपल लेते हैं। पॉइंट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 9f.ba, सपोज ये एग्जांपल हम लोग लेते हैं। कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये हम नंबर हम लोग ले सकते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका ऐसा हो जाएगा सपोज 9 × 16, 9 × 16, 9 के बाद कितना डिजिट बचा है, हमें 1 डिजिट डेसिमल का आगे पीछे नहीं होगा, डेसिमल का आगे कितना डिजिट बचा है 1 बचा है, तो 1 हो जाएगा प्लस एफ हो गया। अभी जैसे एफ का डेसिमल वैल्यू क्या होता है, एफ का डेसिमल वैल्यू होता है, एफ का डेसिमल वैल्यू क्या होता है 15 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 15 लिखेंगे। एफ का डेसिमल वैल्यू 15 होता है, 15 × 16। उसके बाद प्लस हमें क्या हो जाएगा डेसिमल पावर, क्या पावर हो जाएगा 0। उसके बाद क्या होगा बी, बी का डेसिमल वैल्यू क्या होगा, बी का डेसिमल वैल्यू होता है 11, बी का डेसिमल वैल्यू 11 × 16, -1 हो जाएगा पावर। प्लस ए का डेसिमल वैल्यू क्या होता है, ए का डेसिमल वैल्यू होता है 10 × 16, इसका पावर हो जाएगा 2। तो अगर हम लोग चाहेगा तो इसमें ब्रैकेट दे देगा, ब्रैकेट हो गया। तो अभी इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, जैसे कि 16 का पावर 1 है तो वैल्यू 16 ही होगा, 16 × 9 क्या होगा 144 हो जाएगा। प्लस यहाँ में जैसे कि पावर क्या है 0 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पावर 0 होने से वैल्यू 1, तो 15 का साथ में 1 × करने से क्या होता है 15 ही होता है 15। प्लस यहाँ में क्या हो जाएगा, यहाँ में हो जाएगा 11 / 16^1, प्लस यहाँ में क्या हो जाएगा, यहाँ में हो जाएगा 10 16² ये हो जाएगा। तो उसके बाद 144 का साथ में 15 × करने से, 15 प्लस करने से क्या होता है 159, प्लस इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.6875, ये हो गया इसका वैल्यू। प्लस अभी जैसे इसका वैल्यू 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 × 16 क्या होता है, 16 × 16 होता है 16 × 16 होता है 256। सो 10 को 256 से डिवाइड करने से कितना होगा, 10 को 256 से डिवाइड करने से हो जाएगा 0.03906 25, ये हो जाता है। अभी क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। तो कैसे प्लस करेंगे, 159.72652, ये हम लोग का हो गया आंसर। सो देयर फोर अभी हम आंसर निकलेंगे 9f.ba, ये हो गया हेक्साडेसिमल नंबर, इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग का आंसर आता है 159.72652, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो ये हम लोग का ये कवर हो गया, हम लोग का ये जो डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर है, ये डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर हो गया, डेसिमल बाइनरी से डेसिमल नंबर ये भी हो गया, डेसिमल टू ऑक्टल भी कवर हो गया, ऑक्टल टू डेसिमल भी कवर हो गया, डेसिमल से हेक्सा भी कवर हो गया, और हेक्सा से डेसिमल भी कवर हो गया। तो अभी क्या बचा है, अभी बचा है डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टल। तो इसका कुछ मतलब ये इजी है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, हमको दो स्टेप पकड़ना पड़ेगा, दो स्टेप। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोगों को, अगर हमको डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, सॉरी बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल में करने से, बाइनरी से पहले डेसिमल में करेंगे, वो जो नंबर निकलेगा, जो आंसर निकलेगा, उसको फिर ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो फिर हम लोग को अगर ऑक्टल से बाइनरी में करना है, तो फिर ऑक्टल से बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो आंसर मिल जाएगा। तो फिर बाइनरी से हेक्सा, जो ये वाला पार्ट है, बाइनरी से अगर हेक्सा, अगर बाइनरी से हेक्सा में करना है तो क्या करेंगे, तो बाइनरी से डेसिमल में करेंगे, डेसिमल से हेक्सा में बन देंगे। हेक्सा से अगर बाइनरी में करना है, हेक्सा से बाइनरी, हेक्सा से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। तो ऑक्टल से हेक्सा, ऑक्टल से डेसिमल में जाना है, डेसिमल से हेक्सा में जाना है, हेक्सा टू ऑक्टल, हेक्सा से डेसिमल में जाना है, डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, बस हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया डिजिटल नंबर सिस्टम।
तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी पता चले कि डिजिटल नंबर सिस्टम क्या होता है। और आप हमें फेसबुक में या तो ट्विटर में फॉलो भी कर सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो मेल कर सकते हैं हमें। हमारा मेल आईडी है aimdigboy@gmail.com और व्हाट्सएप का जो नंबर है 7399584940, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एग्ज़ाम अच्छा से दीजिएगा। थैंक यू।